स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी दो साथी। आनंद और विनय दोनों बचपन के साथी थे। प्राइमरी पाठशाला से लेकर हाई स्कूल तक दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की और अब साथ ही साथ दोनों कॉलेज में आए थे। दोनों में गाढ़ी मैत्री थी, परंतु विचार में दोनों के काफी मात्रा में भिन्नता थी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था, आनंद पूर्व तो विनय पश्चिम। आनंद अपने नाम के अनुरूप ही आनंद प्रिय था। स्वभाव से उदार, शाह खर्च, प्रेमी, मिलनसार और थोड़ा सा अभिमानी भी। रुपयों का तो उसके पास कोई मूल्य ही नहीं था। जिस दिन उसके पास मनी ऑर्डर आता, उस दिन से लगातार वो खर्च करता रहता जब तक कि वे रुपए खत्म नहीं हो जाते। वो बराबर दोस्तों की खातिर तवज्जो करता और इसमें बहुत सा रुपया व्यर्थ ही उठ जाता। उसे ये भी याद नहीं रहता कि कॉलेज की फीस देनी है या 10 खर्च और भी है जो महीने भर तक लगे रहेंगे। दूसरे विद्यार्थियों से दुगने रुपए आने पर भी उसके ऊपर हर महीने होटल वाले, पान वाले की उधारी चढ़ी रहती। उसके साथ उठने बैठने वाले लड़कों में से एक भी ऐसा नहीं था जिस पर आनंद ने कुछ न कुछ खर्च नहीं किया हो। इसके विपरीत विनय मितभाषी, संयमी, कम खर्च करने वाला, सीधे साधे स्वभाव का लड़का था। वो बोलता कम लेकिन अनुभव अधिक करता था। फूंक फूंक कर पैर रखने की उसकी आदत थी। उसके पास इने किने पैसे आते और जिनसे वो पूरे महीने का खर्च चला लेता। किसी का एक भी पैसा उस पर उधार नहीं था। हजार तकलीफ होने पर भी वो कभी अपने किसी मित्र से पैसे उधार नहीं लेता और उसके मित्रों की संख्या भी सीमित थी। पास होने पर दोनों को भविष्य की चिंता थी। अंत में 2 वर्ष दोनों और साथ रह सकेंगे, इसी आशा के सहारे एक दिन दोनों ने लॉ कॉलेज में अपना नाम लिखवा दिया। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डे की लड़की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गणित में वो थोड़ी बहुत कमजोर थी और उसे एक ट्यूटर की आवश्यकता थी। विनय गणित का एक मेधावी विद्यार्थी रह चुका था, अतः उसे ये ट्यूशन मिल गई। कुछ समय बाद उसे 2 और विद्यार्थी गणित पढ़ाने को मिल गए। उसे 40 रुपए माहवार मिलने लगा। प्रोफेसर डे की पत्नी क्रिश्चियन थी। पति पत्नी दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। प्रोफेसर डे बंगाली हिंदू ही रहे। वे मूर्ति पूजा करके रोज नियम से कृष्ण भगवान की उपासना करते और उनकी पत्नी प्रत्येक इतवार को गिरजे जाती थी। उनकी लड़की मीरा का झुकाव हिंदू धर्म की ओर था। माँ उसे मैरी और पिता मीरा कहते। मीरा पिता की तरह मूर्ति की उपासना करती। उसके 2 छोटे भाई माँ के साथ गिरजाघर जाते थे। मीरा का झुकाव हिंदू धर्म की ओर देखकर उसकी माँ प्राय उससे कुपित रहती, उसे गंवार और बेवकूफ इत्यादि शब्दों से संबोधन करती। माँ बेटी में बहुत अंतर था। माँ साया पहनती तो बेटी साड़ी। माँ के बाल अंग्रेजी ढंग से कटे हुए थे और मीरा के बाल लंबे लंबे लहराया करते। माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मीरा जब कभी बाहर निकलती तो वो अपने पिता के साथ ही जाती। माँ के साथ वो कभी भी कहीं भी नहीं जाती। पूर्ण रूप से वो हिंदू थी। मीरा अपने मास्टर जी से गणित के अलावा उनके धर्म, संस्कृति और आचार विचार की बहुत सी बातें पूछती और उन्हीं के अनुसार अपने दैनिक जीवन को बनाकर आदर्श हिंदू रमणी कहलाने का मधुर स्वप्न देखा करती। ईसाई माँ की बेटी और हिंदू धर्म के प्रति मीरा की आसक्ति और श्रद्धा देखकर विनय किस दिन से उसे चाहने लगा। किस दिन चुपके चुपके इस भोली भाली नन्ही सी पवित्र आत्मा ने
विनय के हृदय में अपने लिए स्थान बना लिया। विनय ने ये न जाना और न जानने का प्रयत्न किया। गुरु और शिष्य के भाव से ही वे एक दूसरे को देखा करते थे, किंतु इस जिज्ञासु बालिका के प्रति विनय के हृदय में जो आदर और स्नेह के भाव अंकुरित हो गए थे, उन्हें वो छिपा नहीं सकता था। प्रायः आनंद से एकांत में बात करते समय इस परिवार की चर्चा हो जाती और बातचीत के अंदर चतुर आनंद इस तथ्य को निकाल लेता कि अपनी शिष्या के प्रति विनय ऊंचे और प्रेम के भाव रखता है। धीरे धीरे आनंद के हृदय में भी इस लड़की को एक बार देखने की प्रबल उत्कंठा जाग पड़ी। पहले तो उसने इस उत्कंठा को दबाने का प्रयत्न किया, फिर उसने सोचा कि एक बार देखने या मिलने में कोई पाप तो है नहीं। उसने अपनी इच्छा विनय पर प्रकट की। दोनों मित्रों की राय थी कि देखने लायक वस्तु को देखने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज तो न देखने में ही है। शाम को जब विनय पढ़ाने जा रहा था, तब आनंद उसके साथ था। प्रोफेसर डे शायद कहीं गए हुए थे। बाहरी बरामदे में मिसेज डे से इन लोगों की मुलाकात हुई। विनय परिचय करवा रहा था, उसी समय मीरा भी वहां आ पहुंची। कुछ गर्व के साथ उसने कहा, आप श्री मीरा देवी हैं जिन्हें मैं गणित पढ़ाता हूं। मीरा चुपचाप खड़ी रही। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बात करने में उसे संकोच हो रहा था। मिसेस डे ने पुत्री की ओर देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैरी, मिस्टर आनंद से शेखेन करो, साधारण शिष्टाचार का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्षण भर माता की ओर देखकर मीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आनंद से कहा, नमस्ते। नमस्ते उत्तर मिला। क्षण भर मीरा ने आनंद की ओर देखा और अपनी अध्ययन शाला की ओर चल पड़ी। विनय के चले जाने के पश्चात आनंद और मिसेज डे में वार्तालाप होने लगा। एक घंटे के बाद मीरा को पढ़ाकर विनय जब बारामदे में आया, तो उसने देखा आनंद और मिसेज डे इस प्रकार घुल मिलकर बातें कर रहे थे मानो बरसों से एक दूसरे से परिचित हों। वैसे आनंद का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वो लोगों से बड़ी जल्दी हिलमिल जाता था। विशेषकर स्त्रियां तो उसके प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती थी। वो स्त्रियों के प्रति इतना आदर, इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान प्रदर्शित करता कि पहली मुलाकात में ही हर एक मिलने जुलने वाली स्त्री उसे आदर्श पुरुष की श्रेणी में स्थान दे देती। पिछले 6 महीनों में विनय और मिसेज डे के नमस्ते के अलावा किसी भी शब्द का विनिमय न हुआ था, पर आनंद ने एक ही दिन में अपना प्रभाव इतना अधिक कर लिया कि जब वो उठकर जाने लगा तो मिसेज डे ने उसे दूसरे दिन के लिए आमंत्रित किया। आनंद ने गर्व भरी आंखों से विनय को देखा। विनय मुस्कुरा दिया। कुछ दूर तक जाने के बाद आनंद विनय से बोला, मूर्खराज, 6 महीने तक आकर भी तुम मास्टर के मास्टर ही रहे, और देखो बंदे ने एक ही दिन में मित्रता का नाता जोड़ लिया। बधाई देता हूं तुम्हें, पर मैं तो मास्टर की सीमा से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, विनय ने हंसकर कहा। अरे सीमा के आगे बढ़ने के लिए जौहर चाहिए, जौहर क्या समझे? उस जौहर की मुझे आवश्यकता नहीं है, न कभी आगे होगी, दृढ़ निश्चय के साथ हंसते हुए विनय ने उत्तर दिया। मीरा मैट्रिक पास हो गई। अब पिता की इच्छानुसार विनय से वो संस्कृत पढ़ने लगी। आनंद भी डे परिवार का एक सदस्य हो गया था। विनय का अधिक समय इस परिवार के साथ ही बीतता। परिवार के छोटे से लेकर बड़े तक का ये प्रेम मात्र हो गया है। बिना पढ़ाए भी प्रोफेसर डे के यहाँ विनय का अधिकांश समय बीतने लगा। मिस्टर डे का विनय पर बहुत स्नेह था। वे उसे अपने पास बुलाकर उससे बातें करते। कभी कभी उनके हृदय का गहरा विषाद और असंतोष एक दीर्घ निश्वास के साथ बाहर निकलने को मचल उठता है। मीरा की प्रशंसा बहुत करते हैं और साथ ही उसके भविष्य की चिंता में एक गहरी सांस भी छूट जाती है। बात ही बात में एक दिन उन्होंने विनय से मीरा के विवाह के बारे में कहा। तुम जानते हो विनय, मीरा की माँ क्रिश्चियन है, किंतु मेरी लड़की मीरा नहीं। मैं मीरा का विवाह करना चाहता हूँ,
लड़का पढ़े लिखे ऊंचे विचार वाला स्वस्थ और सुंदर हो। धन की मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास यथेष्ट संपत्ति है जिसमें से आधी मैं अपनी लड़की को दूंगा। प्रोफेसर डे की आंतरिक इच्छा विनय से ही मीरा का विवाह करने की थी। इस प्रकार परोक्ष रूप से प्रस्ताव करके उन्होंने विनय के हृदय की थाह लेनी चाहिए। विनय असमंजस में पड़ गया। उसने सरलतापूर्वक विश्वास दिलाते हुए कहा, आप चिंता न करें, मीरा के लिए 2-3 दिन में ही आपकी इच्छानुसार सुयोग्य वर मैं आपको ढूंढकर बतला दूंगा। विनय विचारों में डूबता उतरता चला जा रहा था। उसने निश्चय किया वो स्वयं मीरा से विवाह कर लेगा। वो मीरा को अच्छी तरह से जानता था और उसे ये भी भान था कि वो और मीरा दोनों एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं। उसने सोचा, मुझे मीरा के समान अच्छी लड़की शायद ही मिले, रही बूढ़ी माँ की बात तो उन्हें सब समझा दूंगा। निश्चय पक्का हो गया। रात को आनंद देर से लौटा, विनय सो चुका था। उस दिन सवेरे ही कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि दोनों अलग हुए तो शाम को मिले, वो भी मिसेज डे के मकान पर। जब विनय मीरा को पढ़ाने लगा तब उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। वो आज मीरा को और ही भाव से देख रहा था। प्रायः वो सोच में डूबा रहता और मीरा के प्रश्न पूछने पर चौंक सा जाता। पुस्तक उठाते समय अचानक मीरा का हाथ उसके हाथ से छू गया। विनय सहर उठा। मीरा ने जाना, आज मास्टर साहब को पढ़ाने का मन नहीं लग रहा। वो बोली, मास्टर साहब आप शायद किसी गहरी चिंता में हैं, रहने दीजिए, कल पढ़ा दीजिएगा। उसने पुस्तकें समेटकर एक तरफ रख दी। ठीक कहती हो मीरा, आज सचमुच मेरा जी पढ़ाने में नहीं लग रहा, कल पढ़ाऊंगा। प्रोफेसर साहब हैं क्या? विनय ने पकड़े जाते देखकर कहा। मीरा ने भीतर से आकर पान रखते हुए कहा, पिताजी कहीं गए हुए हैं, अभी आते होंगे। विनय एक बार साहस करके मीरा से विवाह के बारे में सम्मति लेना चाहता था किंतु साहस न कर सका। उसने अनायास ही मीरा से प्रश्न किया, अच्छा मीरा तुमने भविष्य के लिए क्या निश्चय किया है? मीरा ने कहा, अभी मैं क्या निश्चय करूंगी, पिताजी तो हैं, परंतु फिर भी इतना निश्चय है कि मेरी जीवन यात्रा एक हिंदू नारी के उच्चतम आदर्शों को लेकर ही प्रारंभ होगी। विनय ने संतोष की सांस ली। प्रोफेसर साहब आए नहीं, देर काफी हो गई थी, अतः वो चल पड़ा। फाटक पर ही आनंद से उसकी मुलाकात हुई। विनय ने उसे अंदर जाने से रोककर ये कहते हुए कि किसी गूढ़ विषय पर आनंद से परामर्श करना है, घसीटकर उसे अपने साथ ले लिया। दोनों अपने कमरे में जा बैठे। विनय ने कल से लेकर आज तक की सारी घटनाएं आनंद को सुना दी और साथ ही मीरा से विवाह करने का अपना निश्चय भी। सारी बात हो जाने पर भी आनंद के मुख से एक भी उत्साहवर्धक शब्द न सुनकर विनय को कम आश्चर्य नहीं हुआ। उसने आनंद की ओर देखा, उसका चेहरा स्याह पड़ा हुआ था। विनय घबरा कर बोला, क्या बात है आनंद, साफ साफ कहो, तुम्हें ये बात पसंद नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, उन्हें दूसरा वर खोज दूंगा। आनंद उत्तर न दे सका, खाट पर चुपचाप लेट गया। विनय स्टोव जलाकर चाय तैयार करने लगा। चाय पीने के बाद कुछ संभल कर आनंद बोला, तुम्हें इस सफलता की बधाई देता हूं विनय, पर एक बात है, तुमने तो कर्तव्यवश मीरा से विवाह करने का निश्चय किया है, किंतु मुझे मालूम होता है कि मैं मीरा के बिना नहीं रह सकूंगा। मैं जो उस परिवार के साथ इतना समय व्यतीत करता हूं वो मिसेज डे या उनके बच्चों के लिए नहीं, मीरा का आकर्षण मुझे वहां रोज खींच लिए जाता है। किंतु तुमने मुझे तो ये कभी नहीं कहा। कैसे कहता, अपनी दुर्बलता प्रकट करने में भी तो कभी कभी संकोच हो सकता है। फिर तुम क्या चाहते थे, आखिर मीरा को कैसे प्राप्त करते, विनय ने प्रश्न किया।
पहले तो उसके माता पिता के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखता। यदि वे नहीं मानते तो मीरा को जबरन अपने साथ भाग चलने के लिए तैयार करता। क्या तुम आशा करते हो कि मीरा तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार होगी? कभी उसे प्रेम दर्शाया है? विनय ने जरा तेज होते हुए पूछा। प्रेम दर्शाने के लिए तो कभी अवसर ही नहीं मिला। पर अब इन बातों को जाने दो। मीरा के साथ तुम सुखी रहो विनय, मैं यही कामना करता हूं। पर तुम्हें दुखी बनाकर मैं सुखी नहीं रह सकूंगा। तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, विनय ने अधीर होते हुए कहा। लेकिन अब उपाय ही क्या है? आनंद बोल उठा। घबराओ नहीं आनंद, उपाय है। मीरा के पिता से अभी मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं उन्हें तुम्हारा नाम बता दूंगा। कहते हुए विनय ने गहरी सांस ली और पलंग पर लेट गया। सवेरे से विनय ने जिस सोने के संसार की रचना की थी वो एक हल्के से हवा के झोंके से गिरकर मिट्टी में मिल गया। दोनों बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। आनंद उठकर बैठ गया और बोला, नहीं विनय, ये नहीं होगा। यदि तुम मीरा को सचमुच प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे सुख के रास्ते कांटा नहीं बनूंगा। विनय गंभीरता से बोला, मीरा को मैं प्यार करता हूं या नहीं, सवाल ये नहीं है। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझ में कष्ट सहने की क्षमता है, तुम में नहीं। अंत में यही निश्चय हुआ कि विनय आनंद का नाम प्रोफेसर डे को सुझाएगा। इसके बाद आनंद हल्की तबीयत से सो गया। रात भर तड़पता रहा। सुबह चाय के समय दोनों फिर साथ बैठे। विनय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारे लिए मीरा का त्याग करके भी मैं मीरा को सहज ही भुला नहीं सकूंगा। इसीलिए उचित है कि तुम्हारे विवाह के पहले ही मैं यहां से कहीं चला जाऊं। जाने से पहले मैं मीरा को कुछ उपहार स्वरूप दे जाऊंगा, उसमें तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कुछ ठहर कर उसने फिर से कहा, एक बात और आनंद, इसे भूलना मत। देखो, मीरा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने उसे किसी भी तरह का कष्ट दिया है तो मैं मित्रता भूल जाऊंगा, तुमसे उसका बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। और हां, इसे मजाक मत समझना, मैं बहुत सोच समझकर कह रहा हूं। किंतु विनय, तुम्हें खोकर क्या मैं मीरा के साथ सुखी रह सकूंगा? तुम्हारा अभाव तो मुझे कदम कदम पर खटकेगा। आनंद के स्वर में भर्राहट थी, पीड़ा का आभास था। कॉलेज के जीवन के बाद में तो हमें अलग होना ही पड़ता, इसके लिए हृदय को इतना दुर्बल न बनाओ। पर एक बार तुम कहो कि मीरा को कभी कष्ट नहीं दूंगा, विनय का गला भर आया था। विनय, मैं मीरा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। आनंद आगे कुछ न कह सका, उसकी आंखें भर आई थी। शाम को जाकर विनय ने प्रोफेसर डे से मीरा के लिए आनंद का नाम सुझाया। प्रोफेसर डे के चेहरे पर प्रसन्नता न दिख सकी जिसकी आशा विनय को थी। साथ ही विनय ने कहा कि मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं, जल्दी ही लौट आऊंगा। विनय वहां से उठकर मीरा के पास चला गया। मीरा पढ़ने की प्रतीक्षा में बैठी थी। विनय ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मीरा, आज भी मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकूंगा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, कब लौटूंगा कह नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें ध्यान से पढ़ना और समझना। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक अनुग्रह था। मीरा के सामने किताबों का ढेर लगाकर एक अंगूठी मीरा की अंगुली में पहनाते हुए बोला, इसे कभी अंगुली से अलग न करना, मैं कहीं भी रहूं इससे मेरी आत्मा को संतोष रहेगा।
उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो तेजी से कमरे के बाहर चला गया। मीरा उठकर आई, वो कुछ पूछना चाहती थी पर तब तक साइकिल उठाकर विनय बहुत दूर जा चुका था। लौटकर मीरा ने अंगूठी को देखा, अंगूठी पर मीरा नाम खुदा हुआ था और किताबों पर सुंदर सुंदर अक्षर में विनय की कलम से उसका नाम लिखा था। किताबें ऊंचे दर्जे के भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली थी। विनय का व्यवहार आज भोली मीरा समझ नहीं सकी। यदि एक बार भी वो विनय की ओर आंख उठाकर देखती तो उसके हृदय का प्रचंड विषाद मीरा की समझ में आ जाता, पर मीरा में इतनी समझ कहां थी। मीरा इसी चिंता में उदास बैठी थी कि तभी आनंद आ गया। मीरा का जी कुछ हल्का हुआ, उसने सोचा इससे विनय के बारे में कुछ जान सकूंगी। आते ही पूछा, क्या आप लोग घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, कहते हुए आनंद अपनी जगह पर बैठ गया। किसने कहा तुमसे? उसने मीरा से प्रश्न किया। मीरा बेचारी क्या कहती, चुप रह गई। कुछ क्षण बाद बोली, परीक्षा हो गई है इसीलिए पूछ रही थी। हम लोग कब जाएंगे ये तो विनय तय करेगा, आनंद ने कहा, और जाने से पहले तुम्हें बता जाएंगे, इतना कहकर वो मुस्कुराया। इससे आगे मीरा कुछ न कह सकी। मिसेस डे ने चाय के लिए सबको बुला लिया। उस दिन आनंद ने बहुत देर तक मिसेस डे के बंगले पर विनय की प्रतीक्षा की। प्रोफेसर साहब के आने पर ही उसे मालूम हुआ कि विनय आकर चला गया। घबराकर आनंद अपने निवास की ओर तेजी से बढ़ा। उसे संदेह होने लगा कि शायद अब वो विनय से नहीं मिल पाएगा। संदेह सच निकला। कमरा खाली था, मेज पर एक लिफाफा पड़ा था। झटपट आनंद ने उसे उठा लिया, देखा लिखावट विनय की थी। सांस रोककर उसने पढ़ना शुरू किया। भाई आनंद, मैं जा रहा हूं। जाते समय तुमसे न मिल सका, इससे मुझे दुख है। मेरी चिंता नहीं करना, मैं सदा तुम्हारा मित्र हूं और रहूंगा। मीरा की रक्षा भी भली भांति करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। तुम्हारा अपना विनय। पत्र समाप्त होते ही आनंद को ऐसा लगा कि वो खड़ा नहीं रह सकेगा। वो खाट पर गिर पड़ा और बालकों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। न जाने वो कितनी देर तक रोता रहा। बार बार उसके मस्तिष्क में यही प्रश्न उठता रहा, मीरा के लिए उसे कितना गहरा मूल्य चुकाना पड़ा है। उसका बचपन का साथी, छात्र जीवन की अंतिम घड़ियों का साथी, उसका बाल बंधु विनय, जो आज उसे अकेला छोड़कर कहीं चला गया। आज ही समझ पाया कि विनय को वो कितना प्यार करता था। न जाने किस अशुभ घड़ी में प्रोफेसर डे के घर गया। वहां मीरा रूपी दीवार आकर दोनों मित्रों के बीच में खड़ी हो गई और वे दोनों इस प्रकार अनिश्चित अनजाने समय के लिए अलग हो गए। अगर उसे अभी विनय मिल जाए तो विनय से कहे, छोड़ ये सब, मीरा का अब ध्यान कभी नहीं करेंगे हम दोनों, अब तक जैसे रहे थे वैसे ही रहेंगे। मीरा क्या, संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगी। परंतु ये विचार केवल विचार ही रह गए। जिस समय दुखित होकर आनंद इस प्रकार रो रहा था, उस समय विनय का विषाद से ओतप्रोत शरीर रेल में बैठा हवा के साथ उड़ा जा रहा था। कहां जाएगा, क्या करेगा, विनय कुछ भी नहीं जानता था। वो तो केवल आनंद से दूर, मीरा से दूर, किसी अनिश्चित स्थान में जा रहा था। जब तक वो अपने हृदय की सारी दुर्बलताओं को धोकर बहा न देगा, तब तक विनय न तो मीरा से मिलेगा और न ही आनंद से। आनंद उसका मित्र है, मीरा आनंद की पत्नी। विनय दोनों की मंगल कामना करता रहा। मीरा और आनंद के विवाह को आज 5 साल हो गए। मीरा अब 2 संतानों की मां है,
पहला लड़का 3.5 साल का और दूसरा 1.5 साल का। पिछले साल से इस छोटे से परिवार पर बड़ा भीषण आर्थिक संकट उपस्थित हो गया था। विवाह के समय आनंद को दहेज के तौर पर 10,000 रुपये प्रोफेसर डे से मिले थे, साथ ही रहने के लिए एक बंगला भी। किंतु पास में रुपया होने के कारण और कोई रोक टोक न होने के कारण फिजूल खर्ची होने लगी। आनंद की आदतें और भी ज्यादा बिगड़ गई। परिणाम ये हुआ कि 5 साल में 5 रुपये भी शेष न रहे। ईसाई मत की बेटी से विवाह होने के कारण उसके परिवार वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। इधर 2 साल हुए प्रोफेसर डे ने भी इस संसार को छोड़ दिया। मिसेज डे ने एक एंग्लो इंडियन के साथ पुनर्विवाह कर लिया, इसीलिए आनंद को आर्थिक सहायता कहीं से भी न मिल सकी। मीरा के जेवर कीमती उपहारों को बेच बेच कर किसी प्रकार घर का काम चलता रहा। पहले प्रोफेसर डे के और मीरा के बहुत आग्रह करने पर भी आनंद वकालत करने को तैयार न हुआ। अब मुश्किल थी फीस की, 150 रुपये कहां से लाए। नौकरी के लिए भी बहुत कोशिश की पर कहीं नौकरी न मिली जिसे वो अपनी मर्यादा के योग्य समझता। इस बीच उसमें दुर्व्यसन भी बढ़ गए। ज्यों ज्यों दुर्दिन आते गए त्यों त्यों मद प्रेम बढ़ता गया। आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ शराब पीने की सहूलियत बढ़ती गई। पहले वो रात को ही पीता था, अब तो 24 घंटे में से 1 घंटा भी ऐसा न होता कि जो शराब पीने के लिए उपयुक्त न हो। हालत यहां तक बिगड़ी कि घर में स्त्री बच्चों के भोजन की व्यवस्था से पहले उसे बोतल की चाह लगी रहती। कभी कभी दिन और रात वो न जाने कहां बिता देता और घर आने पर मीरा से रुपयों की फरमाइश करता। बात फरमाइश पर ही समाप्त नहीं हो जाती, मारपीट गाली गलौज तक नौबत पहुंच जाती। लज्जा के मारे मीरा कुछ नहीं बोलती। जब तक गहने या कपड़े बेचने वाला सामान उसके पास रहा तब तक वो देती रही, पर अब कुछ भी शेष न बचा था। मीरा ने सोचा कि कुछ रुपया किराएदार से मांग लूं, पर जब खबर भेजी तो पता चला किराया आनंद पहले ही ले चुके थे। उधर विनय एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर हो गया था। कई दिनों से उसकी अंतरात्मा अपने मित्र आनंद और मीरा से मिलने के लिए अकुला रही थी। वो अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा चुका था, अतः वह बिछड़े हुओं से मिलने चल पड़ा। मोटर से ही यात्रा करने का निश्चय किया। विवाह से पहले जो बंगला प्रोफेसर डे मीरा को देने वाले थे वो वहां पहुंच गया। लोगों से उसे उनका पता ज्ञात हो गया। उसने सोचा कि बिना सूचना दिए चुपके से जाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दूंगा। चोरों की तरह जीने पर चढ़कर जब विनय ऊपर पहुंचा तो देखा कि छज्जे पर दोनों बच्चे बैठे हैं। दहली पर जीने की तरफ पीठ किए हुए मीरा बैठी थी। सामने थोड़े से भुने चने पड़े थे, उन्हें छील छील कर बच्चों को खिला रही है। विनय स्तब्ध सा खड़ा रह गया। ये वही मीरा है और ये मेरे आनंद का निवास स्थान है। फिर इसने सोचा, मैंने गलती तो नहीं की। इतने में ही मीरा ने पीछे देखा तो खड़ी हो गई। स्वाभाविक हंसी के साथ बोली, मास्टर साहब आप हैं, आइए। बहुत दिनों के बाद हम लोगों की याद आई। कुर्सी पर बैठते बैठते विनय ने पूछा, आनंद कहाँ है। मीरा क्या जवाब दे, उसका चेहरा उतर सा गया। अपनी फटी धोती संभालती हुई बोली, बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। ठहर कर उसने कहा, हाँ देखिए मास्टर साहब, मैंने आपकी अंगूठी कभी अंगुली से अलग नहीं की, फिर भी आप हम लोगों को भूल गए। विनय ने पूछा, ये बच्चे तुम्हारे हैं। उसने सरसरी तौर से मकान के चारों ओर नजर डाली। मकान का पुराना वैभव जहां तहां अब मरणोन्मुख अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहा था। भीषण दरिद्रता इन सबका उपहास करती हुई अट्ठाहस कर रही थी। इसी समय छोटे बच्चे के सामने का छिला हुआ चना खत्म हो गया और भूख के मारे वो चिल्लाने लगा।
मीरा चने छील छील कर खिलाने लगी। बच्चे ने चने फेंक दिए और दूध मांगा। मीरा उसे आश्वासन दे सकी, दूध नहीं। बच्चा मचल पड़ा। बड़े लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, माँ को तंग न करो, दूध नहीं है। विनय परिस्थिति समझ चुका था और जब उसने ये करुण दृश्य देखा तो बोला, अभी आधे घंटे में आता हूँ, और वो सीढ़ियां उतरकर बाजार की ओर बढ़ गया। विनय के जाने के कुछ समय पश्चात ही शराब में झूमता हुआ उन्मत्त आनंद आया। उसने मीरा से खाना मांगा। बेचारी मीरा क्या देती, घर में तो कुछ था ही नहीं। विवेक तो दूर ही रहा, पर बुद्धि भी नशे में चूर हो जाती है। आनंद ने आव देखा न ताव, पास ही रखी कैंची उठाकर मीरा को दे मारी। कैंची मीरा के सिर पर जा लगी, खून की धार बह निकली। आनंद खाट पर गिर बड़बड़ाने लगा, दरिद्री घर की है ना, चने खाने को देती है, मैं क्या घोड़ा हूं जो चने खाऊंगा। उन्मत्त आनंद क्या जाने कि वे चने भी मीरा अपने दो लालों की भूख शांत करने के लिए उधार लाई थी। विनय ने आकर दूसरा ही दृश्य देखा। खून से सनी मीरा बड़े बच्चे का हाथ पकड़े और छोटे को गोद में लिए एक तरफ खड़ी है। आनंद आंखें बंद किए खाट पर पड़ा बड़बड़ा रहा है। मिठाई और फलों की टोकरी विनय ने फर्श पर रखी। आवाज सुनकर आनंद ने आंखें खोली। विनय को देखते ही वो फट पड़ा। ओह, तो तुम हो विनय, तुम्हें ने इनका दिमाग बिगाड़ रखा है, चोरी चोरी मिलने आते हो, शर्म आती है मेरे सामने आने में। विनय ने देखा आनंद होश में नहीं है, आंखें आग उगल रही है, वो सामने से हट गया। आनंद ने बाज की तरह झपट कर विनय का गला पकड़ा और गुस्से से बोला, उसकी तो खोपड़ी फोड़ दी है, अब तुम्हें मजा चखाता हूं। विनय ने किसी तरह बचने के लिए अपना पंजा छुड़ाया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। आनंद बात तो सुनो, उसने भरी आवाज में कहा। घायल शेर की भांति आनंद बोला, बात पीछे होगी, पहले लो खाने भर को, कहकर वो उसकी ओर झपटा। विनय सामने से हट गया। आनंद आवेग और नशे में अपने को संभाल न सका और छज्जे से नीचे सड़क पर जा गिरा, उसका सिर फट गया। बेहोश आनंद को उठाकर विनय और कुछ पड़ोसी ऊपर ले आए। 6 घंटे के उपचार के बाद आनंद को होश आया, नशा काफुर हो चला था। विनय को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विनय, क्षमा करो, गरीब मीरा को मैंने बहुत सताया है। आनंद ने मीरा की ओर देखा, उसकी आंखें क्षमा की प्रार्थना कर रही थी। विनय कुछ न कह सका, आंखें भर आई। आनंद ने अपने पुराने प्रेम में घुलकर कहा, छी विनय, रो मत, मेरा तो अंत ऐसे ही होने वाला था, शराब ने मुझे कहीं का न रखा, सब कुछ समझता हुआ भी मैं शराब पीना न छोड़ सका। विनय, थोड़ी ब्रांडी पिला दो, मेरी शक्ति जीर्ण होती जा रही है, मुझे तुमसे बहुत बातें कहनी हैं। मीरा ने आनंद को थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई। आनंद ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा जमीन में गड़ सी गई। उसने कहना शुरू किया, विनय भाई, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मीरा को कोई कष्ट न होने पाए, परंतु मैं तुम्हारे अनुरोध की रक्षा न कर सका। आज मैं तुम्हें अपने दोनों बच्चे और मीरा को सौंपता हूं। इन्होंने जीवन में कष्ट का अनुभव किया है, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट अब न होने देना। विश्वास दिलाओ तो मैं शांति से मर सकूंगा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो स्थिर दृष्टि से विनय की ओर देख रहा था। विनय अपने को न संभाल सका, आनंद की छाती से चिपट कर रो पड़ा। आनंद, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा, उसने सिसकते हुए कहा। आनंद की आंखें छलछला रही थी। जीना पड़ेगा तुम्हें विनय,
मेरे बच्चों के लिए, मेरी मीरा। आनंद आगे कुछ न कह सका, पथराई हुई आंखों से गंगा बह निकली। बस यही थी कहानी, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।